नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिक्की जीत सर में। आज है 8 जुलाई और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। 165 स्कूलों में नहीं पहुंची किताबें, 7 दिन से 15,000 बच्चे बिना पढ़े लौट रहे हैं, अगले माह टेस्ट भी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से जुड़ी है लापरवाही। सरकारों का कार्य लेते ही पर भर्तियां का नहीं, आवेदन से नियुक्ति तक का कैलेंडर ही समाधान। भर्तीवाड़ा, कांग्रेस व भाजपा की पिछली सरकार की भर्तियां ही अब तक पूरी नहीं हुई। आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सी भर्ती। सहगणक के 583 पदों के लिए आवेदन 12 जुलाई से 10 अगस्त अंतिम तिथि है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पेपरों में ही 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हर विषय में अलग अलग प्रतिशत में आएंगे प्रश्न। बोर्ड ने कक्षा 10वीं के मॉडल कन्वेंशन पेपर जारी किए। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों पर रहेगा फोकस। टीसी काटने के 310 रुपये वसूले, रसीद तक नहीं दी। तलवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला, प्रिंसिपल बोले जो पहले से चल रहा वही कर रहे हैं, रसीद तो आगे पीछे हो जाती है। प्रावधान, कई स्कूलों के प्रधानाचार्य से बात की तो सामने आया कि 1 से 8वीं कक्षा तक टीसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, कक्षा 9 से 12 तक टीसी का चार्ज 5 रुपये है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन 31 जुलाई तक। नर्सिंग ऑफिसर पद पर 305 GNM पदोन्नत। 172 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के विज्ञान संकाय स्वीकृत, 11वीं में प्रवेश शुरू, आवेदन 10 तक। हाईकोर्ट का फीस वृद्धि पर स्टे, दोपहर 3:30 बजे छात्रों की नाराजगी से बचने को करीब 1 घंटे बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा लेटर। 1208 रीट अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच की प्रक्रिया जारी, 17 तक चलेगी पोस्टिंग में 2 माह लगेंगे। शिक्षा विभाग ने 10 अलग अलग दलों का गठन किया, अभ्यर्थियों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया। अब हर शनिवार को 9 बैग डे, बच्चे बनेंगे वैज्ञानिक व रेडियो जॉकी, बाल सभाएं भी होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, 5वीं और 8वीं की कक्षा की पूरक परीक्षाओं के आवेदन आज अंतिम दिन। 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं के लिए 10 जुलाई तक के आवेदन। अग्निवीर भर्ती रैली में अलवर, भरतपुर व धौलपुर के 4,795 अभ्यर्थी होंगे शामिल। सरकारी स्कूल में 10% नामांकन बढ़ाना है लेकिन 25% तक शिक्षकों के पद खाली। प्रोविजनल पदों पर पात्र 636 और शारीरिक शिक्षकों का चयन, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 चयन बोर्ड ने नियुक्ति के लिए अभिस्तावित किया। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। 101 विश्वविद्यालय में 4 साल का ग्रेजुएशन इसी सत्र से, मल्टीपल एंट्री और एग्जिटिव का ऑप्शन। जेई से नहीं मिला एडमिशन, इन विकल्पों पर करें गौर। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल 20,546 पदों पर सीधी भर्ती होगी, नवसर्जी 3,386 पदों की बढ़ोतरी। नकल माफियों ने बनाया ऐसा माहौल, परीक्षा से पहले रात की नींद भी नहीं आती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के कार्यकाल के 3 महीने से सतर्क रहकर काम करने से मिलती है सफलता। शॉर्ट टर्म कोर्स में बड़ा रोजगार, करियर की बेहतर संभावनाएं, युवाओं को मिल रही रोजगार, आप यहां पर देख सकते हैं पूरी अपडेट। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन, अक्टूबर में संभावित परीक्षा। IBPS कदरक के 797 पदों पर निकली भर्ती, 7 दिन में 140 कॉल पूछ रहे हैं, बच्चा 10वीं के बाद कौन सा विषय ले, उसके करियर को लेकर पूरा परिवार चिंतित। RBSC 10वीं बोर्ड ने 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 4 पेपर होंगे, प्रत्येक में 40% अंक लाना जरूरी। RPSC ने अक्टूबर में प्रस्तावित की है परीक्षा, 140 पदों पर होनी है भर्ती। परी डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से, परीक्षा शुल्क 30 जुलाई तक जमा कराना होगा। परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित, 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। RUHS प्रोफेसर्स के 40 में से 26 पद रिक्त, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी खाली।
2 व 4 वर्षीय बीएड के लिए 1.50 लाख रजिस्ट्रेशन, 1795 कॉलेज आवेदन करने का आज आखिरी दिन। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का अच्छा सा सुविचार, अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना, लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।